गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है अमेरिकन सामोआ। अमेरिकन सामोआ इज अ यूनी इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो सामोआ एंड फिजी इसके क्लोजेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन पे आता है तो अबाउ 43,000 पॉपुलेशन है सामोआ के। सॉवरेन स्टेट पे आता है तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है अमेरिकन सामोआ। कैपिटल पे आते हैं तो पैगो इसका कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है ताफूना। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो इंग्लिश है एंड सामोआ बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एथनिक ग्रुप पे आते हैं तो 83% सामोआ, 6% एशियन, 6% पैसिफिक आइलैंडर है, क्योंकि वहाँ पे अड़ोस पड़ोस की जो कंट्री है पैसिफिक ओशन में, माइक्रोनेशिया हो गया, फिजी हो गया, सामोआ हो गया, तो वहाँ पे अमेरिकन सामोआ जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अच्छा पैकेज प्रोवाइड होता है। ठीक है, रिलीजन पे आते हैं तो 99% क्रिश्चियनिटी, 1% मिक्स में आते हैं सब। करेंसी पे आते हैं तो ऑब्वियसली USD है, क्योंकि US की टेरिटरी है अमेरिकन सामोआ। वहाँ का एक USD इंडियन करेंसी में होता है 88 INR। ठीक है, वीज़ा पे वीज़ा रिक्वायर्ड है इंडियंस को। अगर आपके पास B1 B2 US का है टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको वीज़ा नहीं लगाना है। ठीक है, आप उस वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हो अमेरिकन सामोआ। प्रोसेसिंग टाइम है 7 to 10 days, स्टे पीरियड है 90 days, एंट्री है सिंगल एंट्री, फीस है 1000 से 2000 अप्रॉक्स, ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +1684। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे। तो मिनिमम है 400 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 3500। एवरेज है, जो एवरेज सैलरी मिलती है वो है 1200 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1 lakh। हाई है 4000, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 3 lakh। कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको बताऊंगा वो है यूरो में। ठीक है, तो मिल्क है 1 euro 1 liter का, राइस है 1 kg 2 euro, एग है 12 pieces 2 euro, टमाटो है जो है टमाटो 1 kg 1.25 euro, पोटैटो है 1 kg 1 euro, ऑनियन है 1 kg 1.50 euro, वाटर है 1.5 liter 0.50 cents या 60 cents। ठीक है, अपार्टमेंट पे आते हैं तो 1 bedroom in a city 80 euro, आउटसाइड सिटी 70 euro, 3 bedroom in a city 120 euro, आउटसाइड सिटी 130 euro। रूट्स पे आते हैं तो मुंबई दिल्ली से फिजी, फिजी से सामोआ, सामोआ से अमेरिकन सामोआ। ठीक है, रिटर्न टिकट की जो कॉस्टिंग है वो है 1,50,000 से अबव भी हो सकती है, अगर अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली है तो ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, रूट मुंबई दिल्ली से फिजी, फिजी से सामोआ, सामोआ से अमेरिकन सामोआ। ठीक है, क्योंकि सामोआ से क्लोज ही है, 1-2 घंटे की फ्लाइट है या 1.5 घंटे की फ्लाइट है अमेरिकन सामोआ जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो ऑब्वियसली हमें पासपोर्ट चाहिए, 6 months वैलिडिटी, 3 से 4 ब्लैंक पेज चाहिए, फिर अमेरिकन सामोआ का वीज़ा चाहिए। ठीक है, ट्रांजिट वीज़ा हमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो रूट पे ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है फिजी सामोआ से जाने के लिए। फिजी में भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, सामोआ में भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, हमें अमेरिकन सामोआ का सिर्फ वीज़ा लगवाना है। ठीक है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आप रख लीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, कोविड की सर्टिफिकेट करवा लीजिए। अमेरिकन सामोआ का वीज़ा लगवाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है डॉक्यूमेंट्स वही आपको वीज़ा में सबमिट करना है, बैंक स्टेटमेंट आपको रखना है उसमें, वन शॉट में पेमेंट ना करे पता चलता है काउंसलर को। ठीक है, तो रिजेक्शन हो जाएगा, जो भी एक्चुअल इनकम बताइए आपकी। ठीक है, और वीज़ा मिल जाएगा तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स, और मेरे वीकली एवरी वीक ट्यूजडे एंड फ्राइडे न्यू एपिसोड्स आते हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी होगा, क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलकर ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।